मृदुभाषी, मिलनसार, मानवता प्रेमी, निर्मल एवं स्वच्छ छवि, सरल एवं सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित व्यवसायी, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन, धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री निरंजन लाल जैन जी। फर्म भगवान दास एंड सन्स। आप दालों एवं चावल का व्यवसाय करते हैं। आप सन 1966 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार, जय जिन। व्यापारी भाइयों, आज मैं उस शख्स का, उस महापुरुष का, उस महान व्यक्ति का आपका साक्षात्कार करवा रहा हूँ जिनका व्रत हस्त आज से नहीं, वर्षों से नहीं, 1965-66 से जब मैं गंगा से बीकानेर राजस्थान से दिल्ली आया था उसके आस पास ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जुड़ेरा जिला भरतपुर राजस्थान से दिल्ली आपका बिहार बाजार में आना हुआ। तो तब से इन्होंने भी अनेक कार्य किए होंगे, अभी मुखारिब से बोलेंगे, बाकी मैंने ही वो देखा जैसे शुरू से उनका रहा और जी सच्चे नीचे सच्चे अपने खुले बोले। सबसे बड़ी इज्जत इनकी मैं ये करता हूँ, ये खुले दिल से बोलते हैं, इनकी कोई राज अपट ब्याज भेद नहीं है। क्या कह रहे हैं, बोल देता हूँ, आप ये क्या बोल देते हैं, बोले भाई जो मेरे पास जो सच बात होती है वो कह बिगर मैं नहीं सकता। हनुमान सही बात है, हकीकत है, और मैंने हकीकत देख ली। सबसे बड़ी इज्जत मैं इस बात की करता हूँ कि इनकी सच्चाई पर, हालांकि बड़े बड़े और संपर्क हुआ है, सबसे अध्यापक है, इनका जो संपर्क मेरा है वो एक अजब ढंग का है। इन्होंने सच्ची बात कहनी, सच्चा कहना, मेरी भी गलती होती है, ईश्वर कह देते हैं हनुमान पर ये काम ठीक नहीं है, जो तू कर रहा है जो काम अच्छा होता है उसकी तारीफ किए बिगड़ भी नहीं रहते, ये मेरे खास है। और ये मेरी जिंदगी ईश्वर के लिए, चाहे दिल्ली गहरे में हो, किसी पदाधिकारी में हो, चाहे कोई समाज में हो, चाहे व्यापार में हो, खुली बात कह रहा खुली रहे। ऐसे व्यक्ति से मिला साक्षात करके उनका अभिनंदन करके आभार प्रकट करके उन्हें कुछ अनुभव वही है, आप लोगों को भी होगी ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि उपकरण से सुनेंगे मेरे बारे में, अपने बारे में, कब राजस्थान से आए, क्या है, इनका नाम है श्री निरंजन लाल जी जैन। अब समझ गए होंगे बिहार जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर का पता वो दिल्ली नया बाजार में किन के बंदों से देखा, कब आया, क्या है, इनके मुखाप से सुनने का जरा आप लोग करेंगे। और प्रधान जी नमस्कार, जय जिंदर। और प्रधान जी क्या हालचाल, ठीक ठाक, आपका आशीर्वाद गर्भस्थ हमेशा ही रहा है, मैं आपकी कितनी तारीफ करूँ कम है, ताकि आप समाज को या व्यापार को थोड़ी सी जानकारी देने की कृपा करें। मैं निरंजन लाल जैन, भगवान दास मालिक, फर्म भगवान दास एंड सन्स, गली जटवाड़ा नया बाजार में कार्यरत हूँ। 1966 में मैं दिल्ली में आया, मैंने यहाँ 30 साल लगभग सर्विस की, और ऐसे मालिक के नीचे सर्विस की जिसका सच्चाई के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा नाम था, दादा सिंह राम गुप्ता, हरियाणा व्यापार कंपनी। और उसके बाद 96 में मैंने अपना काम चालू किया चावल का, और आज मैं लगातार 96 से भी ये अभी तक लगा हुआ हूँ। रही हनुमान जी की बात, हनुमान जी गोलछा तो खास मित्रों में रहे, हमारे दुकान पर आते जाते रहते हैं, बैठते हैं, आपस में सलाह मशवरा हम लोग करते हैं। भगवान की जितनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सब व्यापारियों के बारे में आपको सूचना दे रहे हैं। मैं भी यहाँ सन लगभग 84-85 में कर्मचारियों का चेयरमैन रहा, उसके पश्चात मुझे शौक मेरे परिवार से मिला हुआ समाज सेवा का, और मैं 92-93 से दिगंबर जैन समाज बुद्ध विहार का प्रधान हूँ, निर्विघ्न प्रधान हूँ। आज अच्छी आप लोगों के सहयोग से मंदिर की तरक्की मैंने अच्छी कर रखी है, हनुमान जी भी अच्छा मेहनत करते हैं रिश्ते कराने में, व्यापारियों का परिचय कराने में, तो इससे ज़्यादा मैं हनुमान जी के लिए क्या कहूँ। और जितनी ने मेरी तारीफ़ की, मैं तारीफ लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर ने तारीफ़ की है तो मैं इनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, जय जय। अरे व्यापारी भाई, देखा आपने संक्षेप में थोड़े में सब कुछ,
क्रिया यही है, संक्षेप में कहना, थोड़ा में सब कुछ कह देना। व्यापारी भाइयों एक बात तो मेरी रही नहीं, मेरी खुशखबरी है, आप कहते हैं इतनी खुशी हो रही है, इस व्यक्ति महान व्यक्ति का जन्म 1947-15 अगस्त को हुआ था और आज जो हमें सफर करने का मौका मिल रहा है 15 दिन बाद यानी 15 अगस्त 2019 को आपका जन्म दिलाना है, उसके भी मैं आप लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से, व्यापारी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि 73 वर्ष प्रवेश कर रहे हैं, 72 साल पूरा कर लिया, 73 में प्रवेश कर रहे हैं और मैं ये शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आशीर्वाद तो नहीं कह सकता बाकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ आप लोगों की सहमति से, आप लोगों के उससे इनका 100 वर्ष 1900 आने वाले आपका जन्मदिन की बधाई भी साथ साथ दे रहा है, अभिनंदन कर रहा है, आभार कर रहा है, धन्यवाद।